नमस्कार दोस्तों, सिनेमा हॉल में आपका स्वागत है। मैं अजय ब्रह्मभट्ट। आज मैं 2022 में चर्चित रही अभिनेत्रियों की चर्चा करूंगा। ऐसी अभिनेत्रियां जिन्होंने हिंदी फिल्मों को एक खास मुकाम तक पहुंचाया और अपने अभिनय से, अपनी हिम्मत से, अपने चुनाव से आपको प्रभावित किया, मुझे प्रभावित किया, मैं उनकी चर्चा करूंगा। इसमें सबसे पहले मैं तापसी पन्नू का नाम लूंगा। तापसी पन्नू ने 2022 में 6 फिल्में की, जिनमें से 5 हिंदी की थी, 1 दक्षिण भारतीय भाषा की थी। इन 6 फिल्मों के नाम हैं लूप लपेटा, मिशन इम्पॉसिबल, साबास मिठू, दोबारा, तड़का और ब्लर। ब्लर के साथ वह निर्माता के तौर पर सामने आई हैं। आउटसाइडर फिल्म्स उनकी प्रोडक्शन कंपनी का नाम है और उन्होंने ब्लर का प्रोडक्शन किया। इन सारी फिल्मों में आप देखें कि तापसी पन्नू ने भिन्न भिन्न किस्म की भूमिकाएं निभाई और इसमें कोई भी कथित लोकप्रिय हीरो नहीं था। उन्होंने ये सारी फिल्में अपने दम पर की हैं, अपने कंधों पर फिल्म को लेकर चली हैं और इन फिल्मों ने ठीक ठाक कारोबार किया है, इसलिए तापसी को सफलता भी मिली, सराहना भी मिली और रेखांकित भी करके वो चली गई कि वह हिम्मती अभिनेत्री हैं, प्रयोग करती हैं और आगे रहती हैं। दूसरा नाम लूंगा मैं आलिया भट्ट का। आलिया भट्ट ने इस साल एक तो शादी की, उसमें बिजी रही वो, लेकिन 2 फिल्में भी उनके रिलीज हुई, गंगूबाई काठियावाड़ी और डार्लिंग्स। डार्लिंग्स के साथ वह भी निर्माता बनी और उन्होंने इस फिल्म के सब्जेक्ट को जिस तरीके से चुना, आप देखें कि एक अभिनेत्री कितनी सेंसिबल है, कितनी संवेदनशील है और जागरूक है कि उसने कैसा विषय चुना अपने प्रोडक्शन के लिए। और उन्होंने डार्लिंग्स का निर्माण किया, उसमें अभिनय भी किया और इस फिल्म ने सचमुच में दर्शकों की पसंद हासिल की और एक खास ऊंचाई तक पहुंची। गंगूबाई काठियावाड़ी में उनके अभिनय का एक नया अंदाज दिखता है। हाँ, संजय लीला भंसाली अपनी नायिकाओं को उभारते हैं और एक खास ऊंचाई देते हैं। वे उनके अभिनय की बारीकियों को पकड़ते हैं और उसमें विस्तार का मौका देते हैं। यह मौका आलिया भट्ट को अपने जीवन में, अपने कैरियर में बहुत जल्दी मिला और वह उनके प्रयोग में खरी उतरी और हम सबको पसंद आई। तीसरा नाम लूंगा मैं भूल भुलैया 2 और दृश्यम 2 में काम कर चुकी तब्बू का। तब्बू थोड़ी पुरानी अभिनेत्री हैं नई अभिनेत्रियों के मुकाबले में, लेकिन वह आज भी टिकी हुई हैं और सफलता की गारंटी कह लें या सफल फिल्मों का हिस्सा रही हैं, इसलिए उनका नाम तो लेना ही पड़ेगा। और अपने अपने से आपको आश्वस्त करती हैं कि सपोर्टिंग किरदार में भी जाकर कोई अभिनेत्री कैसे आपको प्रभावित कर सकती है और कैसे फिल्म का केंद्र बन सकती है। तब्बू में यह सलाहियत है, तब्बू की यह खासियत है, तो उनका नाम लेना जरूरी है। चौथा नाम लूंगा मैं शेफाली शाह का। शेफाली शाह को चरित्र अभिनेत्री कह सकते हैं, सहयोगी अभिनेत्री कह सकते हैं, मेन लीड भी उन्होंने कुछ किए हैं और उन्होंने अपने अभिनय से हम सभी को प्रभावित किया है। उनकी इस साल 2022 में जलसा आई, डार्लिंग्स आई और डॉक्टर जी आई, 3 फिल्में आई। तीनों फिल्मों में थोड़ा थोड़ा बदला हुआ अंदाज उनका है और जिस तरीके की भूमिकाएं वह चुनती हैं, थोड़ी गंभीर अप्रोच में, भावपूर्ण सोच में और अभिनय में तो उनको दक्षता हासिल है ही, तो वह अपने अभिनय का जौहर भी दिखाती हैं इन फिल्मों में। प्रौढ़ अभिनेत्री हैं वह, लेकिन अभी तक हमें आकर्षित कर रही हैं, हमें लुभा रही हैं। पांचवा नाम लूंगा मैं हुमा कुरैशी का। हुमा कुरैशी ने इस साल XXL, मोनिका ओ माई डार्लिंग और वेब सीरीज महारानी की है और इन तीनों में उनके अभिनय के बदले हुए अंदाज को आप देख सकते हैं। मुझे लगता है कि हुमा को अगर चुनौतीपूर्ण भूमिकाएं मिलें तो वह आगे भी बहुत अच्छा करेंगी।
तो इन पांच अभिनेत्रियों को मैं महत्वपूर्ण मानता हूं 2022 में। और भी हैं, दीपिका हैं, कंगना हैं, और भी अभिनेत्रियां होंगी, लेकिन इनने इस साल प्रभावित नहीं किया। कंगना की तो धाकड़ सुपर फ्लॉप रही, गहराई कोई खास कारोबार नहीं कर सकी, और फिल्म भी अच्छी नहीं थी। फिल्म भी संबंधों के उलझन में ऐसी फंसी हुई थी कि गहराइयों में डूब गई। जी हाँ, और फिर वही बात कि अगर यहां तक आप आ गए हैं और पूरा वीडियो आपने देखा है तो सिनेमा हॉल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी बजा दें, मेरे साथ बने रहें, और हाँ, इच्छा हो तो बाय बी ए कॉफी लिंक पर जाकर मेरे लिए कॉफी खरीदें। 2023 की अनंत शुभकामनाएं, हम दोनों का साथ बना रहेगा और हम जल्दी ही 10,000 की संख्या क्रॉस करेंगे। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।